जिसका सोग मना रही हो, क्या वो इस लायक था? और जिसे तुमने कभी अहमियत नहीं दी, क्या वो इस लायक था कि तुम उसे नजरअंदाज करती? मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांग चुकी हूँ मम्मी। मैं तो माँ हूँ शर्मिन, अगर तुम मुझसे माफी ना भी मांगती तब भी मेरा गुस्सा दो चार दिन में उतर ही जाना था। बस हो गई गलती, ठोकर लगे तो ही इंसान को अकल आती। बस समझे, वही ठोकर लगी आपकी बेटी को। अगर अकल आ ही गई है तो फिर वलीद से माफी मांग लो। अम्मी अब जरूरत क्या है? बेटा हम सब चाहते हैं कि तुम्हारे और वलीद के दरमियान जो इख्तलाफात है वो खत्म हो जाए। उससे क्या होगा? कहीं आप फिर से ये तो नहीं सोच रही कि वो आपकी बेटी को अपनाएगा? बेटा मैं आज भी यही कहती हूँ कि वलीद से अच्छा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं किस मुंह से माफी मांगूं उससे? मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, प्लीज उससे माफी मांग लो। वो मुझसे नफरत करता है अम्मी। इस नफरत को तुमने ही पैदा किया है बेटा, और तुम ही इसे खत्म कर सकती हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं वलीद की मिन्नतें कैसे करूं। तो फिर ठीक है, बैठकर रोती रहो अपने नसीब को। मुझे पहली बार लगा कि सलमा आपा को मेरी अहमियत का एहसास हुआ है। पहली बार उन्होंने अपना दुख मुझसे शेयर किया वली। पहली बार मुझे लगा कि इस घर में अंगारे बुझने को हैं, जिनको तुम सब बहुत शिद्दत से महसूस करते हो। पहली बार मुझे लगा कि अगर ये रिश्ता हो गया तो सलमा आपा और मेरे दरमियान सब इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। और पहली बार मुझे लगा कि शायद अम्मी और तुम्हारे पापा की नजरों में मेरी अहमियत बढ़ जाए। शायद वलीद पहली बार किसी ने सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगी है। और जब अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है तो फिर हम इंसानों की क्या वो। याद में तारे गिन रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अब ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं कि अब ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। इंसान माफी मांग लेने से छोटा नहीं हो जाता है। ये लेक्चर देने का वक्त है? ये वक्त भी गुजर गया ना, पछताओगी तुम। पछतावे के अलावा मेरे पास वैसे भी क्या है? टेंशन क्या है वैसे? एक बात बताओ, अगर शर्मीन इस शादी के लिए अग्री हो जाती तो क्या फिर भी तुम सब लोग उसकी इसी तरह मुखालफत करते? ओ, शर्मीन के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? जो पूछा है उसका जवाब दो। मैंने जो सुना था मैंने आपको बता दिया था। इसका मतलब है कि शर्मीन के एटीट्यूड की वजह यह है कि वो किसी और को प्यार करती है। एक बात बताऊं आपको, मुझे उस मास्टरपीस को देखने का बहुत शौक है।
जिसे शर्मीन पसंद करती थी। सैफ, आई एम सीरियस। बट व्हाई भाई? कुछ नहीं यार, वलीद भाई। हेलो। हाय सारा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वलीद भाई, आप तुमसे नाराज ही हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्मीन से बात हो सकती है? जी, ये ले। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। जी कहिए। फोन पर नहीं, बताओ कहाँ मिल सकती हूँ? आई एम सॉरी, मैं नहीं मिल सकती। कह रहा था कोई बात करनी है, बाहर मिलो। तो तुमने फोन काट दिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे सिर्फ इंसल्ट करने के लिए बुला रहा है, मजाक उड़ाना चाहता है मेरी हार का। शर्मीन हद होती है बदतमीजी की, क्या सोचते होंगे वो? जिस शख्स के पास कजन होने के बावजूद आज तक मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, उससे मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करती। तुम सो ही जाओ, यही बेहतर है। पापा माइंड तो नहीं करते आजकल मैं इतनी देर से उठ रहा हूँ? नहीं, वो जानते हैं कि तुम देर तक पढ़ते रहते हो। थैंक गॉड, वो खुश है मुझसे। हाँ भाई, स्टडीज को टाइम दे रहे हो तो खुश क्यों नहीं होंगे? मैं एक बात तो बताऊं। जब बेटियां अपने घर की हो जाती हैं, तो क्या वो माँ बाप को भूल जाती हैं? माँ बाप को भला कैसे कोई भूल सकता है? वो मेरी दोस्त है ना, जिनके बारे में आपको बताया था, बुजुर्ग खातून जिन्हें कैंसर है। हाँ सैफ, अब उनकी तबीयत कैसी? ठीक है, लेकिन मुझे शौक लगा ये जानकर कि उनकी बेटी इस शहर में रहते हुए भी उनसे नहीं मिलती। उन्हें तुम्हें वजह बताई? उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, ये बात तो उनकी मेड ने बताई मुझे। मामा, आप किस दिन चले ना मेरे साथ उनसे मिलने, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी। एग्जाम से फारिग हो जाओ फिर चलेंगे। हेलो। हाँ सारा, बोलो। वलीद भाई, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, सब खैरियत है ना? शर्मीन बहुत शर्मिंदा है, जबी तो वो आपसे बात नहीं कर सकी रात को। मैं उसकी शर्मिंदगी तो खत्म करना चाहता हूँ। खैर, मैं घर आऊंगा तो फिर उससे बात करता हूँ। जी आप जरूर आइएगा, हम भी बहुत खुश होंगी। ठीक है, बल्कि मैं ऑफिस जाने से पहले चक्कर लगाता हुआ जाऊंगा। ठीक है, जरूर। हाफिज। मामा, उनकी मेड ने मुझे बताया कि वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती है। बेटा, ये उनके घर का मसला है, तुम ज्यादा इंटरफेयर ना करो। पता नहीं क्यों मामा, वो है ही इतनी मोहब्बत करने वाली खातून कि मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। इसलिए कि तुम्हारे पास खुद एक मोहब्बत करने वाला दिल जो है, इस बार जाओ ना तो उनको मेरी तरफ से बहुत पूछना। मैं कह दूंगा। मामा, ये भाई को क्या हुआ है? आपने देखा कल काफी परेशान लग रहे थे वो। क्यों, उसने कुछ कहा है? शर्मीन के बारे में बात कर रहे थे, मैं तो समझ गया कि आज भाई की तबीयत खराब है। अगर वो शर्मीन के बारे में बात कर भी रहा है तो इसमें हर्ज क्या है, आखिर वो तुम्हों की कजन है। Thank you.
हेलो हाय हाउ आर यू गुड मैं आपका ही वेट कर रही थी काफी देर से मैं आ गया फूफू का तो नहीं किचन में होंगे सलामुलेकुम वालेकुम अस्सलाम वलीद बेटा मैं तो समझ रही थी कि पप्पू से पक्की पक्की नाराजगी हो गई तुम्हारी अरे अपनों से भला कोई नाराज हो सकता वक्ती गुस्सा था भटक नहीं जी तेरा मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं अरे इसमें पूछने की क्या बात है जाओ जाके चाय बनाओ मैं भी लेकर आती कैसी हैं आप बेटा बस अब तुम आ गए हो तो मेरी सब तकलीफें परेशानियां दूर हो गई बेटा वो बहुत नादान है तुम उसकी बात को अपने दिल में मत रखना वो अंदर ही अंदर पछता रही है मगर अब क्या हो सकता नहीं वो आप परेशान ना हो मेरे दिल में अब कोई ऐसी बात नहीं बेटा मैंने तो तुम लोगों की मोहब्बत में हमेशा यही सोचा कि दोनों घर एक हो जाएं लेकिन शर्मीन की हिमाकतें मुझे ले बैठी ओ, दोनों घर अब भी एक ही है जीते रहो बेटा कहाँ है आपकी लाडली अंदर है अब शर्म से कैसे सामना करेगी शर्मीन शर्मीन पप्पू अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर लूं शर्मीन से हाँ हाँ बेटा कर लो थैंक यू समझती है चुप में से तुम्हारी गलती भूल जाऊंगा मैंने कब कहा कि तुम मेरी गलती भूल जा फूफो से झूठ बोल सकती हो कि मुझसे मिलने बाहर जाती हो मैंने बुलाया तो इनकार करती हो उस झूठ की बहुत बड़ी सजा भुग चुकी हूँ मैं खैर सजा तो तुम्हारी अभी खत्म नहीं हुई क्या कहना चाह रहे हो तुम यही कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जानती हूँ और मैं चाहता हूं कि अब आइंदा तुम मेरे साथ अच्छा करो मैं समझी नहीं समझ जाओगी शर्मीन तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा जो दिल करे करो मैं सजा के लायक हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए ठीक तो देखो फिर मैं करता क्या हूं जाओ वेलकम इन आओ बैठो अम्मा मैं आज फूफो के घर गया था बहुत अच्छी बात है उनको अच्छा लगा होगा कि तुम उनके पास गए जी लेकिन मेरे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुश हैं बेटा रिश्तों की दीवार को कभी नहीं कमजोर पड़ने देना चाहिए अगर रिश्तों की दीवार कमजोर पड़ जाए ना तो खानदान बिखर जाते मामा मैं भी खानदान को बिखरने से बचाना चाहता हूँ मुबारक हो आपको आपका बेटा शर्मीन से शादी के लिए एग्री है दिल से कह रहे हो ना आप बेफिक्र रहिए अगर एक फैसला कर ही लिया है तो आखिर तक निभाऊंगा भी बेटा मुझे तुम पर बहुत फख्र है कि तुमने मेरी ख्वाहिश की लाज रख ली मामा मुझे भी मान है कि मैं आपका बेटा आप दादी माँ को और पापा को मेरा फैसला सुना दीजिए एक मिनट बेटा अगर तुम अपने पापा को ये फैसला खुद सुनाओगे ना तो उन्हें अच्छा लगेगा जी मैं बता दूंगा लेकिन एक बात का ख्याल रखना
उनको ना पता चले कि मैंने तुमसे कहा है। चांद, आप किसी भी बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहते। सलमा बता रही थी कि तुम गए थे, वो बेचारी तो इसी में अपनी सारी बीमारी भुला बैठी है। अच्छी बात है, तुम्हें गलती का एहसास हो। अगर अपनों की गलतियां माफ ना की जाए तो रिश्ते कच्चे रंगों की तरह उड़ जाते। मुझे कुछ कहना है, अगर आप लोग इजाजत दें तो। कहो बेटा। मैं शर्मीन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप पप्पू से बात कर लें शर्मीन के लिए। वलीद बेटा, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। जीते रहो बेटा। पापा, मैंने वही किया जो मुझे बेहतर लगा। देखा, सलमा तो यूं ही परेशान रहती, अगर वो मेरी औलाद से प्यार करती हैं तो ये भी उसे कुछ समझते। लीजिए, सलमा आपा को मुबारकबाद दे दीजिए। हेलो सलमा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। वलीद ने शर्मीन के लिए हाँ कर दी है मेरी जान। बदर को भी बहुत मुबारकबाद देना, मैं बाद में तफसील से तुमसे बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। जरीन, मुबारक हो तुम्हें, वलीद ने रिश्ते के लिए आकर दी। आपको भी मुबारक हो भाई। सारी मुबारकबाद तो इसी के दम से है। वलीद इसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। वलीद ने तुमसे मशवरा किया था? नहीं, ये फैसला उसका अपना है सर। जरीन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वलीद ने इसकी ख्वाहिश पर ही इतना बड़ा फैसला किया है। माँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जरीन ना भी कहती ना, वलीद को अंदाजा है क्या अच्छा और क्या बुरा। अब तुम भाई को मुबारकबाद भी नहीं दोगे?